नोबिता येलो मैं फेंक रहा हूँ। येलो सुनियो येलो किसी को तो लगेगी। अरे नोबिता तो गिर गया। ये गलत है, तुम सिर्फ मुझ पर निशाना लगा रही हो। तुम ये क्या कह रहे हो, जानते हो ना ये स्पेशल ट्रेनिंग सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्यों है ना सुनियो? हाँ जियान ने सही कहा, कल मैच होने वाला है, तैयारी पूरी रखना, समझे नोबिता? और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर समझ गए हो तो उठ जाओ और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हाँ अभी और करनी है। बिल्कुल, ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है, पता है ना। अरे नोबिता, तो ये बात है, जियान और सुनियो ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हाँ मुझे पक्का पता है, कल मैच में वो दोनों सिर्फ मुझ पर ही निशाना लगाने वाले हैं। अब मेरा क्या होगा डोरेमोन? अरे नोबिता तुम उनसे डरते क्यों हो? ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उनका सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए, समझे? तुम्हारे लिए कहना आसान है ना डोरेमोन, पर करना बहुत मुश्किल होता है। काश मैं अच्छे से खेल पाता। ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है। छोटी बात? अब मेरे पास कोई चारा नहीं। हाँ तुम्हारे पास कुछ है? हाँ हाँ है। कैट स्क्रैडल ट्रिक्स। इसे देखने से लग रहा होगा कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करोगे, लेकिन तुम इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे डोरेमोन? अभी दिखाता हूँ। वहाँ देखो, इससे काम बन जाएगा, चलो काम शुरू करो। अब देखना ये कैसे काम करता है। वो तो चल रहा है, क्या बात है। अब जरा अपना सीधा हाथ उठाओ और अब उल्टा हाथ उठाओ। अब उल्टा कूद कर दिखाओ, देखा तुमने? शानदार। हाँ तुमने सही कहा, और मैं इस गैजेट की मदद से तुम्हें जियान और सुनियो के हमले से बचा सकता हूँ नोबिता। सच में शुक्रिया डोरेमोन, तुम सच में बहुत प्यारे हो। अब तुम्हारा ही सहारा है डोरेमोन। चिंता मत करो नोबिता। ये लो। ये नोबिता को क्या हो गया है? क्या बात है नोबिता, बहुत बढ़िया। मैं तो थक गया। मैं भी थक चुका हूँ। तुम अभी से हार मान रहे हो? चलो भी जियान खेलते हैं। मैं थक गया हूँ। सब काम अच्छे से हो गया। देखा शिजुका, आज मैंने मैच में कमाल कर दिया है ना? अरे शिजुका तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या बात हो गई? आज से मेरे पियानो की क्लासेस शुरू हो रही हैं नोबिता। क्या कहा, पियानो की क्लासेस? मेरी उंगलियां बहुत ही धीमी चलती हैं, उसे बजाना बहुत ही मुश्किल है और टीचर डांटती हैं। क्या कहा, तुम्हारी उंगलियां धीमी चलती हैं? अरे हाँ शिजुका, क्या मैं भी तुम्हारे साथ पियानो क्लास में चल सकता हूँ? हाँ लेकिन तुम आकर करोगी क्या? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है शिजुका। अरे ये क्या है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों है ना ये शानदार दोस्तों? पता है इस रिमोट कंट्रोल रोबोट को सुनेकीची ने बनाया है, और ये रोबोट आने वाले रिमोट कंट्रोल रोबोट कॉन्टेस्ट में इनाम जरूर जीतेगा। क्यों नोबिता, कैसा लगा मेरा रोबोट? हाँ हाँ सुनियो, ये रोबोट बहुत ही बढ़िया है, अब मुझे नीचे उतारो। ठीक है नोबिता। अरे नोबिता। क्यों नोबिता, तुम्हें मेरा रोबोट देखकर जलन महसूस हो रही है ना? मुझे तुम्हारे रोबोट से जलन की होगी, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं जलूं। क्या नोबिता, तुम भी ना, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम जल रहे हो। बातों को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ना मुझे जलन नहीं हो रही है, मेरे पास भी रोबोट है। क्या सच में?
शायद वो 20th सेंचुरी का कोई रिजेक्टेड रोबोट होगा, है ना? कितनी गलत बात है, आज के बाद मैं इन दोनों की कभी मदद नहीं करूँगा। आप चलते हैं। सुनियो लाओ, इसे मुझे दे दो। तुम ठीक तो हो ना नोबिता? अरे डोरेमोन, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। शिजुका, तुम पियानो क्लास जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है, फिर मिलेंगे। डोरेमोन, जरा मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ तुम शिजुका की मदद करो, प्लीज। मैं समझ गया। अरे ऐसे नहीं। हाँ? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, बोलो। मुझे माफ कर दीजिए। चलो मैं तुम्हें बजा के दिखाती हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? ओके। कैट स्क्रैडल ट्रिक। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे नोबिता, तुम कब आई यहाँ और ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ भी तो नहीं। देखा शिजुका, बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स भी गलती करते हैं, इसलिए तुम फिर से कोशिश करो। क्या कहा? तुमने बहुत अच्छा बजाया शिजुका। जैसे ही तुमने कहा कि टीचर्स भी गलती करते हैं, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। नोबिता, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्ती में ये सब नहीं चलता। अच्छा तो कल मिलते हैं। बाय बाय। अरे वाह, डोरेमोन का ये गैजेट तो बहुत ही कमाल का है, मैं इसे कहीं और इस्तेमाल करके देखता हूँ। चलो देखते हैं। अरे नहीं, ये लिफ्ट तो खराब हो गई है और मुझे सामान भी सबसे ऊपर लेकर जाना है। ठीक है। अरे क्या करूँ, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। कैट स्क्रैडल ट्रिक। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम हो कौन? वो मैं डिलीवरी मैन हूँ, आपका सामान पहुँचाने आया था। मजा आ गया। अरे ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? बहुत गर्मी है, मुझे बहुत चलना है। काश मैं सीधा किनारे पर जा सकता, इससे मेरी परेशानी कम हो जाती। कैट स्क्रैडल ट्रिक। ये क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये तो हकीकत है। अरे ये सुनियो, जाने कहाँ रह गया, कॉन्टेस्ट तो शुरू होने वाला है। हेलो सुनियो, कहाँ हो तुम? मैं बस थोड़ी ही देर में उसे लेकर पहुँचने वाला हूँ। देखो सुनियो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उसे जल्दी यहाँ लेकर आओ। अच्छा ठीक है, अब क्या करूँ? जियान ने तो रोबोट को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया है। नोबिता! डोरेमोन! क्या तुम्हारा काम हो गया? मेरा गैजेट मुझे वापस दो। नहीं, मैं बस थोड़ी देर और। आप तुम्हें कुछ करो जियान। मैंने तुम्हें बताया ना, इसके टूटने में मेरी कोई गलती नहीं है। इसे तुमने तोड़ा है और ठीक भी तुम ही करोगे, समझे? समझ गया। क्यों ना इस रोबोट के अंदर मैं चला जाऊँ। सुनियो बोलो, इस रोबोट के अंदर, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और उसके बाद हम जरूर जीतेंगे फर्स्ट प्राइज, समझे ना? और उसके बाद जीते हुए पैसों से इस रोबोट को ठीक किया जा सकता है। क्यों सुनियो, कैसा लगा मेरा आइडिया? बताओ ना जल्दी। क्या बात है जियान, आइडिया तो बहुत अच्छा है, अब हमारा काम हो जाएगा। क्या तुमने वो सुना? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है नोबिता, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था, इसलिए मैं इन्हें अब सबक सिखाने वाला हूँ। देखा, ये एकदम फिट है। हाँ जियान, बहुत अच्छे। लाओ अब हेड भी लगा लेता हूँ।
लेकिन चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, जीत हमारी ही होगी सुनियो, ठीक है? जरा देखो तो कैसा लगता हूँ। अरे ये क्या है? सुनियो, अब सही यही रहेगा कि तुम जल्दी से हमसे माफ़ी मांग लो। हमें माफ़ कर दो, ये बहुत भारी है, इसे हटाओ। हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो डोरेमोन। इससे इन दोनों को सबक जरूर मिल गया होगा, है ना? और पता है, मैं एंड में हंस भी रहा हूँ।